俺がマリージュアの秘密のことを誰にもばらさねえように奴ら口封じの殺し屋を送り込んできたのか。バレてもいいだろう。権力は足が速い。すぐに腐っちまうもんさ。इससे पहले जो आपने सीन देखा, क्या आपको उस सीन को देख करके लगता है कि आगे ये बहुत अच्छी फोर शेडोइंग है किसी चीज को लेकर के? जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट वर्ल्ड बैलेंस। What's up everybody, I hope you all are doing great। मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड के वन पीस के वर्ल्ड के बैलेंस के बारे में कि कैसे वन पीस के वर्ल्ड का बैलेंस पहले तीन पावर्स में डिवाइडेड था बट वो अब चेंज हो रहा है और आगे जा करके ये सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं प्री टाइम स्किप्स के पहले की, जहाँ पर हमने देखा था कि वर्ल्ड में तीन पावर्स एक दूसरे को मेंटेन करके रखती है। सबसे पहले मरीन्स जो कि पायरेट्स को कैप्चर करके उनको मारना चाहती है, दूसरे वॉरलॉर्ड जो कि दूसरे पायरेट्स को एकदम कंट्रोल में रखते हैं, और तीसरे फोर एम्परर्स ऑफ द सी जो कि सबसे पावरफुल पायरेट्स है जो कि पायरेट किंग्स बनना चाहते हैं। अब जैसे कि मैंने इसके पहले सीन में आपको दिखाया कि डॉल्फ्लेमिंगो बोलता है गेम ऑफ थ्रोन्स, राइट, कि वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो जाएगा आगे जा करके। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो डॉल्फ्लेमिंगो कुछ ऐसा बोल रहा है कि वर्ल्ड आगे जा करके अपसाइड डाउन हो जाएगा और इट्स गोना बी ओनली अ गेम ऑफ थ्रोन्स। यहाँ पे सिर्फ बात होगी कि थ्रोन पर कौन बैठा है। वो यहाँ पर इन थ्रोन से रिफर कर रहा है योंकोस को, जहाँ पर कि लूफी ऑलरेडी बन चुका है फिफ्थ एम्परर। जैसे ही लूफी फिफ्थ एम्परर बनता है वैसे ही वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया फोर एम्परर्स ऑफ द सी, सेवन वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी और मरीन्स एक दूसरे को कंट्रोल में रखे हुए थे अभी तक, लेकिन अब अचानक एक फिफ्थ एम्परर आ जाता है जिससे कि पूरा वर्ल्ड का बैलेंस ही बिगड़ जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे ही कोई वॉरलॉर्ड्स मरता था मरीन उनके लिए उनकी जगह फिल के कोई और डाल देती थी जो कि दूसरा वॉरलॉर्ड बन जाता था। वेल, ये सब कुछ स्टार्ट तो एकदम पहले एपिसोड से ही हो गया था, जहां पर पहले की जो नामी वाला आर्क था वहीं से लूफी वॉरलॉर्ड्स को धोए चला जा रहा है, उसके बाद अलाबास्टा आर्क में, फिर दूसरे आर्क में, ऐसे करके उसने बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स को धो तो दिया। अब बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स की जगह भी फिल हो गई, उसके जगह दूसरे वॉरलॉर्ड्स आ गए, जैसे कि जिम्बे वॉरलॉर्ड की कैटेगरी से निकल गया, उसकी जगह एक दूसरा वॉरलॉर्ड आ गया। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि जैसे टाइम स्किप होता है वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है, जहां पर लूफी का पहला टारगेट होता है डॉल्फ्लेमिंगो, जिसके साथ में वो सबसे पहले डॉल्फ्लेमिंगो के साथ फाइट करता है और यहां से सब कुछ शुरू होता है वर्ल्ड का बैलेंस एक्चुअली बिगड़ना, मतलब कि एक एक्चुअल डिफरेंस पता चलता है कि अब वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसने बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स को हरा दिया, उनकी जगह दूसरी वॉरलॉर्ड्स की जगह फिल हो गई, और जो दूसरे जो अच्छे वाले मरीन्स है वो नहीं चाहते कि वॉरलॉर्ड्स इस वर्ल्ड में रहे और वो नहीं चाहते कि वॉरलॉर्ड्स एक एक्चुअल पावर हो इस वर्ल्ड में। कुछ मरीन्स वहां पर आते हैं और वो वॉरलॉर्ड्स को हटाना चाहते हैं, जिन जो कंट्रीज जिनके ऊपर वॉरलॉर्ड्स का कब्जा था जैसे कि अलाबास्टा हो गया, ये कंट्रीज भी वॉरलॉर्ड सिस्टम हटाना चाहती है। तो ऐसे करके क्या होता है कि वर्ल्ड का पावर बिगड़ने लग जाता है। अब जैसे वर्ल्ड का पावर बिगड़ रहा है, वी नीड समथिंग टू मेंटेन दिस पावर, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उन्होंने काइडो को कैप्चर क्यों करा था, अगर तुमने नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट कर लेना, कि एसएसजी के बारे में। अब जैसे ही वेगापंक ने एसएसजी की टेक्नोलॉजी को आगे डेवलप करा, ये लोग अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि ये लोग पायरेट्स को आराम से हरा सकते हैं। तो इन लोगों ने जो वॉरलॉर्ड्स वाला सिस्टम था उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर एक्चुअली सिर्फ एक ही पावर है, अभी हम पायरेट्स की पावर से बात नहीं कर रहे, अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही पावर है, वो है मरीन की, जो कि इस वक्त में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और दूसरा है यहाँ पे काइडो और बिग मॉम की अलायंस। अब देखो काइडो और बिग मॉम के अलायंस का एक आर्क अभी भी चल रहा है और जो मरीन वाला आर्क है वो एकदम बैकग्राउंड में चल रहा है, धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। अब जो उसका तो धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है वो तो धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अभी सिर्फ एक ही पावर है वर्ल्ड में जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो है मरीन, क्योंकि वो अपनी एसएसजी पे ज्यादा अच्छे से डिपेंडेंट है, उनके पास अच्छे एक यूनिक सोल्जर्स है, एक पूरा ऑर्गेनाइज सब कुछ है, वो लोग चाहे तो किसी पर अटैक कर सकते हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज और तरीके से। वहीं पर पायरेट्स के पास में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब मरीन के पास मान लो अगर 1000 मैन है तो पायरेट के साथ 1000 मैन तो है उनके पास, लेकिन वो अपने आप में काम करना पसंद करते हैं और किसी और के साथ मिलकर के काम नहीं करना पसंद करते। आज मान लो काइडो और आज मान लो कि काइडो और बिग मॉम के पास सिर्फ 200 ही लोग थे और उन दोनों ने साथ में काम करना शुरू करा, तो आज उनके पास सिर्फ 400 लोग है, लेकिन वो फिर भी मरीन के पीछे है क्योंकि वो लोग अभी भी ऑर्गेनाइज नहीं है। वो जो 600 लोग अभी बचे हुए, जो 600 पायरेट्स बचे हुए, वो अभी भी ऑर्गेनाइज नहीं है। और वानो आर्क के एंड होते होते कोई ना कोई एक यांको मरेगा, जिसमें या तो काइडो होगा या तो बिग मॉम हुई। अगर दोनों ही हुए तो वर्ल्ड का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, और जब वर्ल्ड का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा तब आएगा एक दूसरा सीन हमारे सामने, वो है पायरेट किंग का सीन। जैसे कि मैंने बोला कि मरीन अभी एक पूरी तरीके से ग्रुप हो गई है
वो अब सब कुछ हो गया है, वो हाईएस्ट अथॉरिटी है पूरे वर्ल्ड में जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, जिन्होंने की वॉलेट सिस्टम को हटा दिया, अब कुछ बचा नहीं है उनके सामने ऑब्स्टिकल। अब एक ही ऑब्स्टिकल बचा है, वो है नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड पायरेट किंग। जिस दिन या जिस भी दिन लूफी पायरेट किंग बना, उस दिन सारे पायरेट रीग्रुप हो जाएंगे अंडर द विंग ऑफ पायरेट किंग। अगर मान लो कभी पायरेट्स वर्सेस मरीन्स की वॉर होती है, तो हम लोग दो लीडर्स को देखेंगे, जहां पे हो गए एडमिरल्स और यहां पर हो गए लूफी के राइट हैंड मैन, जहां पे हो गए हाईएस्ट अथॉरिटी इन वन मरीन और यहां पर होगा लूफी हाईएस्ट अथॉरिटी इन पायरेट्स। सो मेरा इतना सब कहने से एक ही मतलब है कि अभी जो हो रहा है उससे वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ रहा है, वर्ल्ड का, और वर्ल्ड का बैलेंस तब तक सही नहीं होगा जब तक कि पायरेट किंग हमको इंट्रोड्यूस नहीं हो जाता, या फिर जब तक लूफी पायरेट किंग नहीं बन जाता, वर्ल्ड का बैलेंस ऐसा ही बिगड़ा हुआ रहेगा और वर्ल्ड में बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें होने वाली है। तब तक हमको हो सकता है पायरेट किंग बनने से पहले बहुत सारी चीजें को देखने को मिले, जैसे कि रिवोल्यूशनरी आर्मी वर्सेस मरीन्स या फिर लूफी वर्सेस ब्लैक बियर्ड। तो ये हो सकता है कि ये दो चीजें हमको पहले देखने को मिले, या फिर ये हो सकता है कि हमको पहले ये चीज देखने को मिले कि लूफी वर्सेस ब्लैक बियर्ड जो कि फोर्थ पॉनिग्लिफ या फिर पायरेट किंग बनने के लड़ रहे हैं, अब यहां पर ये पायरेट किंग बन जाते हैं, उसके बाद वो मरीन्स वर्सेस लूफी या लूफी क्रू द स्ट्रॉ हैट्स। तो ये सिर्फ उस समय पे यहां पर सिर्फ दो चीजें नहीं रह जाएंगी, लूफी मरीन से लड़ रहा है, यहां पर एक्चुअली वर्ल्ड की टू स्ट्रॉन्गेस्ट पावर एक दूसरे से लड़ रही होगी। और ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है इस वर्ल्ड के बाद या इस वॉर के बाद पावर लेवल्स फिर से ऊपर नीचे होंगे और वर्ल्ड लेवल फिर से ऊपर नीचे होगा। सो मैं इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, ये मेरी प्रेडिक्शंस है, ये मेरी थ्योरीज है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर तुम लोग इस वीडियो को लाइक करो, आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। और अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।